हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों आज इसका जो प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये बहुत हेवी और बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट देने वाला है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करने से पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों एक धमाकेदार न्यूज़ आई है, आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। यहाँ पर देख सकते हो आज के डेट में दोस्तों 2% 2.80 अराउंड 3% का जो है एक मजबूती देखा गया है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में। क्या आपको वो दिन याद है दोस्तों? यहाँ पर मैं 5 डेज अगो दिखाता हूँ, जब रिलायंस इंडस्ट्री 1600 का जब लेबल तोड़ा था, 1600 का लेबल तोड़ने के बाद दोस्तों जब ये नीचे आना स्टार्ट किया तो बहुत लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि रिलायंस में एक बहुत बड़ी मतलब बैड न्यूज़ है, वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, रिलायंस को आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह आपको बताया जा रहा था। लेकिन आप देख रहे हैं दोस्तों परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट इस यूट्यूब चैनल में आपको कुछ भी गलत नहीं बताया जाता है। आपको बिलीव नहीं है तो उसके लिए भी आपको प्रूफ दिया जाएगा विथ डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है? तो सारे यूट्यूबर बोल रहे थे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी न्यूज़ है, यहाँ गिरावट बहुत ज़्यादा होगी, निकल जाओ। दोस्तों मैंने उसके बाद से 4 से 5 वीडियो अपलोड मारा और आपको बताया था कि हर एक लेवल पे बाय करो, जिस लेवल पे ही गिरावट होता है बाय करो, जम के बाय करो दोस्तों, तब तक खरीदारी करो तब तक जब तक दोस्तों आपका पैसा खत्म ना हो जाए। और आज के डेट में दोस्तों मैं दिखाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट निकल के आया है, क्वार्टर रिजल्ट का। और ये एक छोटी सी न्यूज़ है दोस्तों आप लोगों के सामने, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रिलायंस का जो Q3 का रिजल्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट जो रेज हुआ है दोस्तों 13% रेज हुआ है, ठीक है? और ये तो दोस्तों इसमें रेज हुआ है, ये तो रिलायंस का था। अब जियो का दिखाता हूँ उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ और कितना प्रॉफिट हुआ। ये देखिए जो रियल न्यूज़ है आप लोगों के सामने आ चुका है, रिलायंस जियो Q3 का रिजल्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं सर्ज 62%, मतलब कि दोस्तों मोर देन 50%, 50% चलो ठीक ठाक है पर उतना हो सकता है, लेकिन दोस्तों मोर देन 50%, 62% सोच सकते हो दोस्तों अब रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जाने वाला है। जब न्यूज़ आने से पहले इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है 3% का, तो दोस्तों जब अब तो मंडे को देखिए कितना अच्छा जो है इसमें परफॉर्मेंस देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको जो नोटिस करना चाहिए कि जब रिलायंस का प्राइस डिक्रीज हो रहा था तो सारे यूट्यूबर जो है अपने यूट्यूब में वीडियो अपलोड करके बता रहे थे कि रिलायंस का प्राइस बहुत डिक्रीज हो रहा है, निकल जाओ, इसका प्राइस ये होगा वो होगा, बहुत सारे यूट्यूबर है, आपने भी देखा होगा, कई सारे यूट्यूब में देखा होगा। लेकिन मैंने भी दोस्तों वीडियो अपलोड मारा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने भी 4-5 वीडियो अपलोड मारा था और सारे वीडियो में मैंने बोला था दोस्तों हर एक लेवल पर आपको बाय करना है, हर एक लेवल पर आपको बाय करना है। यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 1500 के थोड़ा सा नीचे जा सकता है, नहीं तो उससे 1500 को जल्दी ये जो है ब्रेक नहीं करने वाला। और देखिए आपके सामने यहाँ पे मैं जो पहला वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, रिलायंस इंडस्ट्री बाय इट टारगेट लेवल, ठीक है? ये देखिए उसका बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टाटा मोटर एंड रिलायंस इंडस्ट्री अब उगलेगा सोना करके, मैं आपको थंबनेल से यहाँ पर आपको पता चल जाएगा टाटा मोटर रिलायंस इंडस्ट्री अब उगलेगा सोना करके, ठीक है? ये वीडियो मैंने 8 डेज पहले अपलोड किया था, 1 हफ्ते के आसपास, ठीक है? फिर से यहाँ देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री भारी गिरावट बाय करे, क्योंकि दोस्तों गिरावट गई है ना तो हर एक गिरावट में बाय करना था, हर एक गिरावट में बाय करना था। और देखिए इसमें मैंने आपको साफ साफ दर्शा दिया है, ठीक है? यहां देखिए थोड़ा सा बड़ा करके आपको मैं बता देता हूं, यहां पर मैं ये सब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये जो YouTube चैनल है जिसमें आपको पहले से बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने फिर ये भी लिखा था, एक मिनट, जो ये लास्ट वीडियो है यहाँ पर मैंने लिखा था दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री धमाकेदार माला माल कर देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ 19 डेज पहले आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका था। अब मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पर, ठीक है, कि मैंने कौन से लेवल पर बोला था बाय करने के लिए। एक मिनट दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रूफ के तौर पे आपको डेट दिखा दूं क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 जनवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, ठीक है? अब आपके सामने वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूँ कि मैंने आपको बाय करने बोला था या नहीं बोला था। डिस्कस करने
वाला हूं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। इसका जो न्यूज है आपको मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों इसका जो प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्री का वो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बॉटम बना दिया है, ऑलरेडी बॉटम बना दिया है। जैसे वो उसको क्रॉस करेगा आपको अच्छा रैली देखने को मिलेगा। अभी देखिए करेंट प्राइस क्या है, ठीक है, अभी देखिए 1529, ठीक है, 1529 के आसपास है। आज देखिए 14 पॉइंट इसमें जो है गिरावट हुआ, लेकिन दोस्तों इस गिरावट का हमें जो है फायदा उठा लेना चाहिए एज ए अपॉर्चुनिटी के तौर पे। तो इस प्राइस पे हम मतलब कि जम के खरीदारी कर सकते हैं। और तो देखिए दोस्तों मैंने आपको साफ साफ बोला, एक यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ बोला कि ये जो प्राइस है ये प्राइस को आपको एडवांटेज लेना चाहिए, ठीक है, एडवांटेज लेना चाहिए और आपको यहाँ पर इस प्राइस पे जम के खरीदारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला था। और आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जब मैंने वीडियो अपलोड मारा था तो 1529 था, हालांकि मैंने 1500 के प्राइस में भी वीडियो बनाया था। और आज के डेट में देख सकते हैं रिलायंस का जो करंट मार्केट प्राइस चला दोस्तों वो 1600 को टच करने वाला है। फिर से मैं आपके लिए वीडियो एक बार प्ले कर देता हूँ। गिरावट हुआ, लेकिन दोस्तों इस गिरावट का हमें जो है फायदा उठा लेना चाहिए एज ए अपॉर्चुनिटी के तौर पे। तो इस प्राइस पे हम मतलब कि जम के खरीदारी कर सकते हैं। और जम के खरीदारी करने के बाद दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जल्दी स्टॉक दोस्तों अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो अगर आपने नहीं खरीदा तो खरीद सकते हो। तो देखा दोस्तों मैंने ये कहा कि जल्दी ये जो स्टॉक है अच्छा परफॉर्म करने वाला, अगर आपने नहीं खरीदा तो खरीद भी सकते हो। और आज देखिए यहाँ पर देखिए रिलायंस ने जो हाईएस्ट प्राइस बताया है बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं 1584.95, अराउंड जो है दोस्तों 15 पॉइंट ही बचा था, ओनली 15 पॉइंट बचा था दोस्तों 1600 में। अब देखिए जो मंडे को मार्केट ओपन होगा तो 1600 भी क्रॉस हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। मैं तो बस आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल में जो भी आपको बताया जाता है एक दिन पहले बताया जाता है दोस्तों, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सारे अभी देखिए भारतीय, ये वीडियो देखिए मैंने कुछ देर पहले अपलोड किया था, भारतीय एयरटेल में इस स्टॉक में मैंने आपको 6% निकाल के दिया। मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने ये जो वीडियो था 11 आवर्स पहले अपलोड किया था, ठीक है, 11 आवर्स पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। और दोस्तों सुबह में ये होने से पहले अपलोड किया था, और आज के डेट में आप जाके देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल में कितनी मतलब बहुत अच्छा अपर सर्किट लगते हुए नजर आया दोस्तों। शायद ये पहली बार लगा या दूसरी बार लगा, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा जो है भारतीय एयरटेल में आपको देखने को मिला, बहुत अच्छा तेजी। उसी तरह आप हमारे सारे YouTube वीडियो के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, सारे YouTube वीडियो के साथ अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि काम सही हो रहा है दोस्तों तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ने से पहले एक कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे डेमो चाहिए, ट्रायल चाहिए, सिंपल चाहिए, जो भी चाहिए दोस्तों वो YouTube में अवेलेबल है। आप पास्ट वाले वीडियो भी देख सकते हो, प्रेजेंट वाले वीडियो भी देख सकते हो, फ्यूचर वाले वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो दोस्तों उस वीडियो में मैंने एक ही चीज़ बताया है, एक ही चीज़ बताया है, वो क्या है, मैंने उस वीडियो में आपको फ्यूचर मतलब आने वाले दिनों में कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा मैंने वो बताया। मैंने कभी भी ऐसे ज़्यादातर मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आज जो है आइडिया वोडाफोन में 30% का गिरावट देखा गया है, या रिलायंस में मान लीजिए कि 2% का गिरावट देखा गया है, या तो येस बैंक में आपको 30% का जंप देखा गया है। देखा गया है मतलब वो हो चुका है, अब हम उसको कुछ नहीं कर सकते। आप ये बताओ कि क्या होने वाला है, अगर कल को रिलायंस का प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो आज हमें बताओ, तब हम उसको बाय कर पाएंगे जड़ से, तब जाके हमें पूरा जम के प्रॉफिट होगा। तो अगर आप ऐसे काम करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये जो नंबर है ऊपर वाला दोस्तों ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, और ये जो नीचे वाला नंबर है ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे एक भी वीडियो मिस नहीं हो पाएगा।